हेलो एवरीवन, कैटनेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अर्शिया और आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि एक्सेल में पॉपुलेशन सर्वे डेटा वैलिडेशन को उपयोग करके कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कैसे हम एज कैलकुलेशन कर सकते हैं और डेटा वैलिडेशन इसमें किस तरह से यूज़ होता है। इधर पे मैंने डेटा लिया हुआ है जिसमें मैंने नेम, स्टेट, ईयर, मंथ, जेंडर, एज को लिया हुआ है। उसमें मैं आपको डेटा वैलिडेशन का उपयोग करके पॉपुलेशन सर्वे बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे डेट। डेटा वैलिडेशन के लिए हमको डेटा में जाना है। डेटा में जाएंगे तो इधर पे आपको डेटा वैलिडेशन का टैब मिल जाएगा। डेटा वैलिडेशन में जाके आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन को क्लिक कर सकते हो। देखिए, आप फुल कॉलम को भी वैलिड कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को बोल करके फुल कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको जितना कॉलम को वैलिड करना है सिर्फ उतना कॉलम सेलेक्ट करके उतनी कॉलम को ही आप वैलिड कर सकते हो। उसके बाद में आपको डेटा में जाना है। डेटा टैब में जाके इसमें आपको सेलेक्ट करना है डेटा वैलिडेशन। और आप डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट के है Alt-D-L। Alt-D-L इज द शॉर्टकट की फॉर डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आके इधर पे हम बात कर रहे हैं डेट की, तो पहले सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके अलो में आपको लेना है लीस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, बहुत सारे इधर पे चूजन वैल्यूज दिए हुए हैं। उसमें मैं सेलेक्ट करूँगी डेट। डेट सेलेक्ट करके मैं फर्स्ट स्टार्ट डेट लूंगी। स्टार्ट डेट मैं इधर पे ऐड कर रही हूँ 1, एंड डेट ऐड कर रही हूँ 15। तो इधर पे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन बहुत वैल्यूज दिखाएगा, बट मैं इधर पे ले रही हूँ बिटवीन। बिटवीन लेके स्टार्ट डेट मैंने 1 लिया है, एंड डेट मैंने 15 लिया है। इसके बाद मैं इनपुट मैसेज में जाऊंगी। इनपुट मैसेज में जाके इसमें टाइटल को ऐड करूंगी। टाइटल ऐड कर रही हूँ इधर पे मैं डेट। इनपुट मैसेज में आप कोई भी मैसेज दे सकते हो जिसका आप डेटा मेंटेन कर रहे हो, उसका मैसेज आप इधर पे दे सकते हो। एंटर डेट बोल के मैं इधर पे ऐड कर रही हूँ। एरर अलर्ट में जाके एरर मैसेज में मैं ऐड करूंगी अलर्ट। ये किस लिए मैं वो बना रही हूँ, देखिए ओके देने के बाद इधर पे आपको दिखाएगा एंटर डेट जो मैंने इनपुट मैसेज में ऐड किया हुआ था। जो मैंने टाइटल दिया था वो टाइटल इधर पे डेट बोल के दिखा रहा है। जो मैंने इनपुट मैसेज में ऐड किया था एंटर डेट, इधर पे एंटर डेट बोल के दिखा रहा है। अभी मैं इधर पे लूंगी 1 लूंगी तो भी लेगा, 15 लूंगी तो भी लेगा, 20 लूंगी तो भी लेगा, या फिर 20 लूंगी तो नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? बिकॉज मैंने डेटा को वैलिड किया हुआ है जिसमें मैंने लिया है 1 to 15। अगर मैं इधर पे 20 लूंगी तो वो नहीं लेगा। इधर पे क्या दिखा रहा है? अलर्ट। क्यों अलर्ट दिखा रहा है? बिकॉज मैंने अलर्ट बॉक्स में जाके मैंने एरर बॉक्स में जाके मैंने अलर्ट टाइप किया हुआ था, इसीलिए वो हमको अलर्ट बोल के दिखा रहा है। उसके बाद ये मैं इधर पे लूंगी 12। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे ईयर की। सेम आपको ईयर को भी सेम एज इट इज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके डेटा में जाना है। इन डेटा आपको डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करना है। डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाके एनी वैल्यू में मैं क्या सेलेक्ट करूंगी? होल नंबर सेलेक्ट कर लूंगी, बिकॉज वो वैल्यूज में आएगा। मिनिमम इधर पे मैं ले रही हूँ 1997, मैक्सिमम ले रही हूँ 2021। करंट ईयर जो भी चल रहा है उस करंट ईयर को इधर पे लेना है। इनपुट मैसेज में जाके इधर पे मैं टाइटल ऐड कर रही हूँ ईयर। इनपुट मैसेज इधर पे मैं ऐड कर रही हूँ एंटर ईयर। बाद में आपको एरर अलर्ट में जाके एरर बॉक्स में मैं इधर पे ऐड कर रही हूँ अलर्ट। देखिए, अभी मैं इधर पे ईयर लूंगी 1997 ले रहा है। अगर मैं 1998 लूंगी तो बिलो 1997 में जो भी लूंगी वो ले लेगा। अगर मैं 1996 लूंगी तो वो नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? बिकॉज मैंने डेटा को क्या किया हुआ है? वैलिड किया हुआ है, इसीलिए वो ऐड नहीं करेगा। तो मैं इधर पे कैंसिल करके 1997 हूँ ले लूंगी। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे मंथ की। सेम एज इट इज आपको जितना भी कॉलम चाहिए सेलेक्ट कीजिए। डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, इधर पे सेटिंग्स में आके मैं इधर पे ले रही हूँ लिस्ट, बिकॉज मैंने मंथ्स लिस्ट में ऐड किए हुए हैं। अभी इसके ऊपर आप सोर्स के ऊपर क्लिक करना है। सोर्स के ऊपर क्लिक करके आपको कितने मंथ से उतने मंथ को सेलेक्ट करके फिर से सोर्स के ऊपर क्लिक करके
इनपुट मैसेज में टाइटल ऐड कर दीजिए, टाइटल में टाइटल ऐड कर दीजिए। एरर अलर्ट में जाके आपको एरर मैसेज में कुछ भी देना हो तो आप दे सकते हो, फिर ओके कीजिए। देखिए इधर पे ये लिस्ट में आ गया, इधर पे आपको कौन सा मंथ चाहिए वो मंथ आप इधर पे ले सकते हो। एग्जाम्पल जनवरी मंथ चाहिए तो जनवरी मंथ ले सकते हो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे जेंडर की। सेम एज इट इज मैं सेलेक्ट करूंगी, सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में जाऊंगी। डेटा वैलिडेशन में आके मैं इधर पे एनी वैल्यू में आके मैं इधर पे लिस्ट ही ले रही हूँ। लिस्ट लेके मैं इधर पे जेंडर मेल एंड फीमेल को सेलेक्ट करके सेम एज इट इज आपको इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट का यूज करना होगा। ओके दीजिए, इधर पे मैं ले लूंगी जेंडर। इसके बाद आप इसी तरीके से आप बहुत टेक्स्ट यूज कर सकते हो, कस्टम फॉर्मेट यूज कर सकते हो। इधर पे बहुत सारे मिलेंगे आपको अलो में। इसी तरह से आप टेक्स्ट लेंथ यूज कर सकते हो, कस्टम यूज कर सकते हो, डेसिमल्स यूज कर सकते हो। और इसमें जाके आप नेक्स्ट इसमें इनपुट मैसेज में आपका टाइटल और इनपुट मैसेज होने के बाद एरर अलर्ट जाके आप डेटा वैलिडेशन का उपयोग कर सकते हो। आपको मैं इसमें बताऊंगी कि एज कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला डाल के मैं आपको इधर पे दिखाऊंगी। इक्वल टू इफ ओपन द ब्रॉकेट देन इस ब्लैंक का उपयोग करना है आपको। इस ब्लैंक का उपयोग करके ब्रॉकेट ओपन कर लीजिए। अभी आपको सेलेक्ट करना है ईयर, तो मैं ईयर को सेलेक्ट कर लूंगी। ब्रॉकेट क्लोज करके कॉमा दीजिए, डबल कोट स्पेस ऐड कीजिए, फिर से डबल क्लोट्स कॉमा ऐड कीजिए। अभी मैं इधर पे ले रही हूँ 2021 माइनस ईयर, डेट ऑफ बर्थ का जो भी ईयर रहेगा आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके ब्रॉकेट क्लोज करके एंटर देने से देखिए एज इधर पे आपको बता देगा। तो आप इधर पे मैं से चेंज करूँगी तो ऑटोमेटिकली देखिए ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मैं इधर पे लूंगी, इधर पे मैं ले रही हूँ 1997, इधर से आके आप इजिएस्ट वे में अपना डेट सेलेक्ट कर मंथ सेलेक्ट कर सकते हो। इधर पे आके इजिएस्ट वे से आप अपना जेंडर भी दे सकते हो। जिस इसको ड्रैग डाउन कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको अपना आंसर दिखा देगा। ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक लेंथी डेटा को आप क्या कर सकते हो, डेटा वैलिडेशन यूज करके इजिएस्ट वे से आप उसको मेंटेन कर सकते हो। इजिएस्ट वे से अपना डेटा आप मेंटेन कर सकते हो। ऐसे हम डेटा वैलिडेशन का उपयोग करके बहुत सारे डिटेल्स को हम इजीएस्ट वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताती रहूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।